हो चुकी थी प्रयाग्स लोगों से पहले। जो वान लावे साहब है ना, वो हमें कुछ बातें ये बता चुके थे। वान लावे हाइपोथेसिस आपने पढ़ा होगा पीएस के कोर्सेज में, कि वान लावे जो है ना, जो एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है ना खास पैटर्न में, वो हमें वो बता चुका था। यानी जो थ्योरेटिकल आइडियाज है ना वो हमें दे चुका था, सिर्फ इसका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। और उस एक्सपेरिमेंट के लिए फिर जो है ना ये प्रयास लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। तो जो वान लावे हाइपोथेसिस है वो क्या कहता है, वो कहता है कि क्रिस्टल्स वर कंपोज्ड ऑफ रेगुलरली स्पेस्ड एटम्स व्हिच माइट एक्ट एज स्कैटरिंग सेंटर्स फॉर एक्सरेज। कहता है कि जो क्रिस्टल्स है ना, ये रेगुलरली स्पेस्ड एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। यानी एटम्स ये खास तरतीब से एक खास पैटर्न में अरेन्ज होते हैं क्रिस्टल के अंदर, और ये एक्सरेज के लिए स्कैटरिंग सेंटर्स के तौर पे काम करते हैं। यानी एक्सरेज इन एटम्स से स्ट्राइक करके स्कैटर होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, और स्कैटरिंग के बाद फिर वो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर स्पार्क्स बनाएंगी। उन स्पार्क्स को रीड करके हम उन स्कैटरिंग सेंटर्स के बारे में यानी एटम्स के बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगे। एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ इक्वल टू द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कैन बी डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल्स। के जो एक्सरेज जिनकी जो वेवलेंथ है ना वो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के इक्वल, यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, बहरहाल इक्वल होना जरूरी नहीं है, थोड़ी बहुत जो ना वो कमोबेश हो सकती है, यानी कंपेरेबल होनी चाहिए। जो एक्सरेज है उनकी जो वेवलेंथ है ना वो इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस है ना उसके कंपेरेबल होती है, तभी जो ना वो डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट होता है। और इट वॉज प्रूव्ड बाय फ्रेडरिक एंड निपी ऑन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। यानी सबसे पहला ये जो एक्सपेरिमेंट है ना वो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स के ऊपर जो ना फ्रेडरिक और निपिंग जो ना ये कर चुके थे। एक्सपेरिमेंट्स प्रूव्ड वेव नेचर ऑफ एक्सरेस एंड द पीरियडिसिटी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन अ क्रिस्टल। और फिर एक्सपेरिमेंटली जो है ना जो एक्सरेस की वेव नेचर जा रहा है, ये डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट हुआ, और जो डिफ्रैक्शन है वो एक वेव नेचर शो करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। तो दोनों चीजें जो है ना वो साइमल्टेनियसली इस एक्सपेरिमेंट की मदद से कंफर्म हुई। एक बात ये कंफर्म हुई कि जो एक्सरेज हैं उनकी वेव नेचर भी है, और दूसरी बात ये भी कंफर्म हुई कि क्रिस्टल्स के अंदर एटम्स पीरियडिकली अरेंज होते हैं, यानी एक खास पैटर्न से वो अरेंज होते हैं। तो ये दोनों जो है ना, जो बाप और बेटा है ना, दोनों की तस्वीर है अभी आपके सामने। सर विलियम हेनरी ब्रैग और विलियम लॉरेंस ब्रैग दोनों का जो तलक है ना वो यूनाइटेड किंगडम से है, और नीचे उनकी एफिलिएशन लिखी है, ये कहाँ कहाँ पे जॉब करते रहे हैं। और इन दोनों को इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन की वजह से, यानी क्रिस्टलोग्राफी की डेवलपमेंट की वजह से और पहला एक्सपेरिमेंट करने की वजह से 1915 में फिजिक्स में जो ना वो नोबेल प्राइज भी दिया गया था, और दोनों को जो ना 50% जो अवार्ड है ना वो दोनों ने शेयर किया था। Both father and son were able to define the necessary conditions for diffraction in a considerably simple mathematical form. के दोनों यानी बाप और बेटा इन दोनों ने मिलकर diffraction के लिए जो जरूरी कंडीशन है ना वो डिफाइन की थी इंतहाई सादा मैथमेटिक्स की फॉर्म में। और उन्होंने सबसे पहले जो क्रिस्टल स्टडी किए थे ना वो थे NaCl के, यानी सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम आयोडाइड। ये चूंकि साल्ट्स हैं, डिफरेंट साल्ट्स हैं जो कि इजीली अवेलेबल होते हैं, और इनके अंदर भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है ना वो परफेक्ट होती है, तो इसलिए इन क्रिस्टल्स को स्टडी करना निस्बतन आसान है। ये सारे के सारे क्यूबिक फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स स्टडी किए गए थे ना हिस्ट्री में, वो यही साल्ट थे, यानी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम आयोडाइड, जिनको के रिकॉर्ड किया गया था। अच्छा बच्चों, डिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है ना ये होता कैसे है, यानी डिफ्रैक्शन वैसे तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं अपने बीएस के कोर्सेज में, कि वहां पे आपने डिफ्रैक्शन के बारे में जो पढ़ा हुआ है ना वो ये है कि जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिफ्रैक्शन, हाउ विल यू डिफाइन डिफ्रैक्शन, तो आप डिफ्रैक्शन को डिफाइन यूं करते हैं कि दिस इज एक्चुअली द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल्स या अराउंड कॉर्नर्स। कि जो लाइट होती है ना वो जब किसी रुकावट से स्ट्राइक करती है तो वो अपने
कॉर्नर से ना बेंड हो जाती है, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टिकल्स, ये आप जो ना डिफ्रैक्शन की तारीफ करते हैं। तो यहाँ पे अभी आपने समझना ये है, हमने समझना यहाँ पे ये है कि क्या यहाँ पर भी डिफ्रैक्शन का यही मतलब होगा, क्या यहाँ पर भी जो एक्स रेज है वो किसी मटेरियल से स्ट्राइक करके बेंड हो रही है या कुछ और हो रहा है। तो ये बात भी यहाँ पे जो ना वो समझने की जरूरत है, यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन है ना वो कैसे होगी और कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। इस चीज को समझने के लिए थोड़ी सी जो बेसिक चीजें है ना, जो बुनियादी तसव्वुरात है ना, वो बच्चों हमें देखने की जरूरत है। अगर से ये सारी बातें इंतहाई बेसिक्स हैं जो आप मैटर कैफेसी में भी पढ़ते रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम जो ना वो दो चार मिनटों में जरा रिव्यू कर लेते हैं। ये अभी आपके सामने जो डायग्राम है ना, यहाँ पे हमने दो वेव्स जो है ना वो ड्रा की हुई है। एक वेव यहाँ पे आपको ये फर्स्ट करें नजर आ रही है थ्री, जिस जहाँ पे लिखा हुआ है ये एक वेव फॉर्म है, और ये वेव एक खास डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई, ये इसका एक वेव फ्रंट है जिसको हमने ए ए प्राइम से शो किया है। तो जब इस वेव फ्रंट से ये वेव गुजरती है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली इस वेव फ्रंट के ऊपर इसका हमने देखा कि एक क्रेस्ट मौजूद है। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं और जाहिर है इसको हम ट्रफ बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो ना क्रेस्ट मौजूद है। इसी तरह जो दूसरी वेव है हमारे पास, वहां पर भी हम देखते हैं कि जब ये इस वेव फ्रंट से यानी ए ए प्राइम से गुजरती है ना, तो यहाँ पर भी इसका जो ना वो क्रेस्ट मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट के ऊपर फॉल करता है, तो हमें पता है कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को एनहांस करते हैं और रिजल्टेंटली वी गेट लार्जर एम्पलीट्यूड, यानी दोनों का आप ऐड करेंगे जो भी वो एम्पलीट्यूड बनेगा वो आप रिजल्टेंटली हासिल करते हैं। अब जो हुआ क्या है कि जो रे नंबर थ्री है ना वो तो सीधी पास कर गई है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। जो रे नंबर टू है ना उसके रास्ते में यहाँ पे कोई रुकावट आ गई, उस रुकावट की वजह से इसने अपना पाथ चेंज कर लिया है। तो जब इसने अपना पाथ चेंज किया है, तो पाथ चेंज करने के बाद जब ये वेव यहां पर पहुंचती है ना, यानी जो बी बी प्राइम वेव फ्रंट है ना यहां पे पहुंचती है, तो हमने देखा है कि अब इसमें और इसमें जो यहाँ पे इनिशियली ओवरलैपिंग थी, अब यहाँ पे वो ओवरलैपिंग नहीं रही। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो वेव नंबर थ्री है उसका नोड है, जबकि यहाँ पे इसका क्रेस्ट मौजूद है। तो अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो आपको यहाँ पे वेव फॉर्म की शक्ल में मिलेगा, यानी कि यूं समझें कि यहाँ पे कंप्लीटली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, जबकि पार्शियल जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो पार्शियल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से इस वेव फ्रंट के ऊपर यानी बी बी प्राइम के ऊपर जो इंटेंसिटी है ना वेव की वो कम हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि जब कोई नेक्स्ट हमारे पास वेव फ्रंट होगा तो वहां पर जब वेव गुजरेंगी तो उनके दरमियान पाथ डिफरेंस कितना होगा, उस पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि दोनों वेव्स के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसी बात को समझने के लिए ये हमारे पास कुछ और जो ना ये बेसिक्स डायग्राम है, जहां पे ये लिखा हुआ है कि डिफरेंसेस इन द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड लीड टू डिफरेंसेस इन फेज, के जो वेव्स पाथ ट्रेवल करती हैं अगर उनकी लंबाई में फर्क आ गया तो इसके नतीजे में हमें वेव की फेज में फर्क नजर आएगा। The introduction of phase differences produces changes in amplitude, और फिर जाहिर अगर वहां पे phase difference मौजूद है तो वहां पे resultant amplitude में भी change आ जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि हमारे पास दो waves हैं, एक ये वाली wave है, इसके amplitude को first करें हमने AW से show कर दिया, एक ये दूसरी wave है इसके amplitude को हमने AW1 से show कर दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूंकि क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर फॉल करता है, ट्रफ ट्रफ के ऊपर फॉल करता है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव है ना उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, यानी जो ए आर लिखा हुआ है ना, ए आर का मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव है ना
वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा एम्पलीट्यूड यानी ए डब्ल्यू प्लस ए डब्ल्यू वन। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। और यहाँ पे हम कहते हैं कि वेव्स इन फेज, यानी ये दोनों इन फेज हैं, चूंकि एक वेव का क्रेस्ट दूसरी के क्रेस्ट के ऊपर फॉल करता है, ट्रफ ट्रफ के ऊपर फॉल करता है, तो फेज डिफरेंस यहाँ पे जीरो हो गया। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें, इस डायग्राम को देखें गौर से, तो यहाँ पे उसके अपोजिट काम हो रहा है कि यहाँ पे एक वेव का क्रेस्ट दूसरी के ट्रफ के ऊपर फॉल करता है और एक का ट्रफ दूसरी के क्रेस्ट के ऊपर फॉल करता है। तो इस केस में जाहिर है जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के नतीजे में जो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कम हो जाएगा। जाहिर है कि ये ज्यादा है और ये कम है, तो फिर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कम हो जाएगा और यहाँ पे जो ना वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और इसको हम आउट ऑफ फेज कंडीशन जो ना वो बोलते हैं। ये भी उसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम नीचे मौजूद है कि क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर फॉल करे, ट्रफ ट्रफ के ऊपर फॉल करे, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। जबकि जब आउट ऑफ फेज कंडीशन होगी कि क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल करे, ट्रफ क्रेस्ट के ऊपर फॉल करे, तो रिजल्टेंटली यू विल गेट नो इंटेंसिटी। तो यही काम बच्चों डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट में भी होता है कि जब वहां पे मटेरियल के साथ वेव्स यानी जो एक्सरेज हैं, जब वो स्ट्राइक करने के बाद वापस आती हैं, तो डिपेंड करता है कि जो वेव्स डिफरेंट एटमों से स्ट्राइक करके या डिफरेंट प्लेन से स्ट्राइक करके वापस आ रही हैं, तो वापस आने के बाद अगर उनके दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहां पे आपको कोई एम्पलीट्यूड, कोई इंटेंसिटी, कोई पीक नजर आ जाएगी, और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे आपको कोई पीक नजर नहीं आएगी। तो ये चीजें आपको बताने का, रिवाइज करने का मकसद ये है कि यही काम जो है ना वो एक्सरे डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट के अंदर भी होगा और वहां पे आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि अगर किसी जगह पे पीक नहीं आ रही तो वो पीक वहां पे क्यों नहीं आ रही, और अगर किसी खास एंगल पर कोई पीक नमूदार हो रही है तो वो पीक वहां पे क्यों नमूदार हो रही है, उसके पीछे बैकग्राउंड थ्योरी क्या है, उसके पीछे बैकग्राउंड फिजिक्स क्या है, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए और इसलिए हम ये सारी चीजें रिवाइज कर रहे हैं। कहता है डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड लीड टू फेज डिफरेंस, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। और इंट्रोडक्शन ऑफ फेज डिफरेंस प्रोड्यूस चेंज इन एम्पलीट्यूड, टू रेज आर कंप्लीटली इन फेज व्हेन एवर देयर पाथ लेंथ डिफर ईदर बाय जीरो और बाय ए होल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। यानी ये तो बेसिक कंडीशन है ना डिफ्रैक्शन की, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो वेव्स के बारे में हम कहते हैं कि दोनों वेव्स इन फेज हैं, अगर उनमें जो फेज डिफरेंस है वो या तो जीरो आए या फिर वो लैम्डा का मल्टीपल हो, यानी वन लैम्डा हो, टू लैम्डा हो, थ्री लैम्डा हो, तो हम कहते हैं कि दोनों वेव्स इन फेज हैं और उनके दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है ना वो पजीर होता है। इस चीज को समझने के लिए आप इन वेव फॉर्म्स को जो है ना दोबारा एक दफा देख सकते हैं कि इस वेव इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि ए और बी दो यहाँ पे वेव्स हैं और दोनों वेव्स कंप्लीटली ओवरलैप कर रही हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, यानी जहां से वेव ए स्टार्ट हो रही है वहां से ही जो ना वेव बी स्टार्ट हो रही है, तो हम कहेंगे कि दोनों वेव्स इन फेज हैं, यानी इनमें जो ना फेज डिफरेंस वो जीरो है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फेज शिफ्ट या फेज डिफरेंस जीरो डिग्री है। ए एंड बी वेव फॉर्म्स आर इन परफेक्ट स्टेप विद ईच अदर, के ए और बी जो वेव फॉर्म्स है ना ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे फेज डिफरेंस जीरो है और रिजल्टेंट वेव जाहिर है वो एक खास डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी विद एनहांस्ड एम्पलीट्यूड। जबकि अगर इस किस्म का केस है कि जो वेवफॉर्म ए है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल ये जीरो डिग्री से स्टार्ट हो रही है और ये हमें पता है कि वेवफॉर्म ए के लिहाज से ये वाला एंगल 90 डिग्री का बनता है, ये वाला 120 का बनता है, ये 270 का और ये 360 पे जाके एक साइन वेव कंप्लीट होती है। तो अगर ये जीरो डिग्री है ए का, तो बी जो है ना बी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बी जो ना वहां से स्टार्ट हो रही है जहां पे ए 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो ए वेवफॉर्म है वो पहले स्टार्ट हुई है, जो बी वेवफॉर्म है वो बाद में स्टार्ट हुई है। तो इस केस में हम कहते हैं कि ए इज अहेड ऑफ बी
बाय 90 डिग्री, के जो ए वेव फॉर्म है ना वो बी के मुकाबले में 90 डिग्री पहले स्टार्ट हुई है, तो हम कहेंगे कि दोनों वेव फॉर्म्स में यानी ए और बी में जो फेज शिफ्ट है वो 90 डिग्री का है, या दूसरे लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं कि ए लीड्स बी बाय 90 डिग्री, या लैग्स बिहाइंड भी यूज करते हैं, अगर आप बी को पहले बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं बी लैग्स बिहाइंड ए बाय 90 डिग्री, तो आप इस बात को यू भी इलैबोरेट कर सकते हैं। जबकि नीचे जो आपको ये वेवफॉर्म नजर आ रही है यहाँ पे इस सीन के अपोजिट है कि जो बी वेवफॉर्म है वो पहले स्टार्ट हो रही है, ये बी फॉर्म बी जो वेवफॉर्म है उसका 0 डिग्री एंगल है, ये उसका 90 डिग्री एंगल है, तो जो ए वेवफॉर्म है ना वो वहां से स्टार्ट हो रही है जहां पे बी का 90 डिग्री एंगल है, यानी बी का 90 डिग्री और ए का 0 डिग्री आपस में मैच करते हैं, तो इस केस में हम कहेंगे कि बी वेवफॉर्म इज अहेड ऑफ ए, या यू कह लेंगे बी लीड्स ए बाय 90 डिग्री, या इसके अपोजिट आप कह सकते हैं कि ए जो है ना लैग्स बिहाइंड बी बाय 90 डिग्री। तो जब इनमें जो फेज शिफ्ट है ना वो कम्प्लीटली 180 का हो जाए, तो 180 के केस में देखो सिंपल हमें पता है कि वेवफॉर्म जो है ना ये कम्प्लीटली एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, क्योंकि एक वेव का क्रेस्ट और दूसरी का ट्रफ आपस में मैच करते हैं, जिससे हमें जो रिजल्टेंट वेव है ना वो उसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, तो इस केस में हम कहते हैं कि जो फेज शिफ्ट है ना वो दोनों वेव्स के दरमियान 180 डिग्री है। तो ये बच्चों बुनियादी बातें हैं जो आप लोग